हाय गाइस, वेलकम बैक टू हरिथ्वी बहाला एंड मामा रॉक्स। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त मीनाक्षी, और सबसे पहले मेरी तरफ से आप सबको प्यार भरी सत श्री अकाल। दोस्तों, हमारे चैनल पे चल रही है 7 डे ग्लोइंग स्किन सीरीज, जो स्पेशली हम वर्क करेंगे ड्राई स्किन वालों के लिए। अगर आपकी स्किन पे पैचेस हैं, स्किन बहुत ड्राई है, स्किन पे ग्लो नहीं है, झाइयां हैं, पिंपल्स के दाग हैं, तो उनके लिए मैं आपके साथ रोज एक रेमेडी शेयर कर रही हूँ। मेन पर्पज सीरीज चलाने का ये है कि मैं आपसे ये शेयर करना चाहती हूँ कि अगर हम अपनी स्किन पे कुछ भी करते हैं, चाहे होम रेमेडीज ही अप्लाई करते हैं, तो हमें डेली किस तरह से करनी है, कौन सी गलतियां नहीं करनी है। क्योंकि चाहे हम घर की चीजें करें, लेकिन उनको भी यूज करने का एक तरीका होता है। बैलेंस तरीके से ही हमें सब कुछ अपने चेहरे पे लगाना है। ऐसा नहीं है कि हम किसी चीज को रगड़ा चढ़ाएं तो वो साफ हो जाती है। अगर हम बर्तन को ज्यादा रगड़ दें तो उस पर भी जो है वो लाइंस आ जाती हैं। दैट्स व्हाई अपनी स्किन पे भी वही काम करें जो आपकी स्किन को अच्छा बनाए। एक्सेस में कोई भी चीज हमें जो है वो अच्छा नहीं बना सकती। तो हमारी सीरीज का आज डे है 6। लास्ट 5 डेज का जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा। इफ यू आर इंटरेस्टेड देन यू कैन गो देयर एंड चेकआउट। अगर आपको वीडियोज अच्छी लगती हैं तो लाइक करें। चैनल पे नए हैं, आपको अच्छी लगी है वीडियो तो सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन करें। अगर आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव है तो भी आप हमें दे सकते हैं। शुरू करते हैं आज की वीडियो। हम लोग यूज कर रहे हैं मैजिकल इंग्रेडिएंट देसी घी, लेकिन उसको भी चेहरे पे लगाने का एक तरीका होता है। बेनिफिट हमें किस तरह से लेने हैं वो डिटेल में मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ हर वीडियो में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें। डे 6 पे हमें कुछ ज्यादा नहीं करना है, जस्ट हमें फेस वॉश करना है, जो भी हमारा पसंदीदा फेस वॉश है उससे। डेली जो आप फेस वॉश यूज कर रहे हो उसी से अपना चेहरा अच्छे से साफ कर लें। उसके बाद हमें करनी है स्क्रबिंग। स्क्रबिंग मैंने यहाँ पे स्क्रब यूज किया है सेंट ईव्स का एप्रिकोट वाला। वैसे मेरा फेवरेट कॉफी वाला है, लेकिन वो फिनिश हो गया है तो मैंने ये किया। और मैंने आपके साथ कोई भी वीडियो फास्ट फॉरवर्ड नहीं की है। जैसे मैं यहाँ पे आपके साथ शो कर रही हूँ, स्क्रबिंग आपको उसी तरीके से करनी है, बिल्कुल हल्के हाथों से, क्योंकि इस वाले स्क्रब में थोड़े थोड़े दाने जो है वो फील होते हैं। अगर आपका स्क्रब बहुत डिल्यूट है, बहुत ही सॉफ्ट है, जिसमें दाने वाने नहीं है, तो आप थोड़ा जोर से कर लो, दैट्स ओके। बट हमेशा स्क्रबिंग इसी तरह से करो। 1.5 मिनट से ऊपर आपको स्क्रबिंग नहीं करनी है, ज्यादा भी रगड़ा नहीं चढ़ाना है। 1.5 मिनट तक अच्छे से स्क्रबिंग करने के बाद अपना फेस जो है आराम से फेस वॉश करें। उसको अच्छे से टॉवल से साफ करने के बाद आते हैं अपनी रेमेडी की तरफ और चलते हैं किचन की तरफ। मैं हमेशा वीडियोज जो है वो किचन में ही शूट करती हूँ, क्योंकि वहां पे लाइट थोड़ी ठीक ठाक है। बाकी रूम्स में लाइट बहुत ज्यादा है, फिर नेचुरल चीज का पता नहीं चलता। जैसे अभी शॉप की सारी लाइट्स बंद हैं, आप नेचुरली मेरी स्किन देख सकते हो किस तरह की है। जस्ट इस पे सनस्क्रीन अप्लाई किया है, मैं तो काजल वगैरह कुछ नहीं लगाती कि आपको नेचुरल लुक मिले। अब हमें सबसे पहले लेना है हमारा मैजिकल इंग्रेडिएंट बेसन। बेसन थोड़ा सा जो है वो अपनी उसकी जो नेचर है वो ड्राई है, तो इसलिए अगर आपकी ड्राई स्किन है बेसन की क्वांटिटी कम ले लो, ऑयली स्किन है बेसन की क्वांटिटी ज्यादा कर दो। लास्ट वीडियो में हमने आपके साथ डिस्कस किया है, जरूर देखें। बेसन के बाद हम इसमें अपना मैजिकल इंग्रेडिएंट डालेंगे, देसी घी, हनी, कच्चा दूध। नींबू मैंने नहीं डाला है, उसका मेन रीजन ये था कि मुझे डे टाइम आज ये रेमेडी करनी थी और मुझे सन का एक्सपोजर होना था, दैट्स वाई मैंने नींबू यूज नहीं किया है। इसलिए आप हमेशा जो भी रेमेडी करते हैं रात को बेझिझक नींबू यूज कर सकते हैं, स्किन बहुत अच्छी होती है। इन चारों को मिक्स करने के बाद आपको अच्छे से अपने फेस पे 1 मिनट के लिए हल्के हाथों से मसाज करनी है, और उसके बाद इसे एज अ फेस पैक लेप अपने फेस पे लगा लेना है। 20-25 मिनट रखने के बाद आप इसे हल्के गीले सॉफ्ट टॉवल से भी उतार सकते हो, पानी से भी हाथों से मसाज करते हुए उतार सकते हो, जिस तरह से आप कंफर्टेबल हो। याद रखें, कभी भी स्किन के ऊपर रगड़ा ना चढ़ाएं, आराम से करें, स्किन को हार्श ना करें। ये कोशिश ना करें कि हम बहुत जोर जोर से करेंगे तो शायद स्किन के जो दाग धब्बे या शाइयां उतर जाएंगी। जो छाइयां होती हैं हमारी स्किन पे, दाग धब्बे होते हैं, वो हमारी स्किन की लेयर ही है जो हमें किसी पर्टिकुलर चीज से बचाने की खातर बेचारी काली हो गई है। तो उस लेयर को हमें उतारना नहीं है, उस लेयर को रिकवर करना है। ये चीज हमेशा ध्यान में रखें। कभी भी कोई ऐसी क्रीम जो है, बहुत सारी मार्केट में क्रीम्स होती हैं जो पिगमेंटेशन के लिए लोग यूज करते हैं और उसके बाद उनकी शिकायत या उनके पास ये होता है कि हमारे फेस का मास उतर रहा है, तो वो स्किन को उतार रही होती है। हमें स्किन को उतारना नहीं है, हमें उसे ठीक करना है, हमें उसे रिपेयर करना है। फेस वॉश करने के बाद अगर आपको ऑयली लग रही है स्किन, हो सकता है आपने देसी घी ज्यादा डाल लिया हो, तो आप हल्का सा फेस वॉश लेके अपना फेस साफ कर सकते हो। उसके बाद स्किन केयर करें।
डे टाइम है तो सनस्क्रीन जरूर अप्लाई करें, बिना सनस्क्रीन के कभी ना रहें, जरूर अप्लाई करें, मॉइस्चराइज करें, सीरम लगाते हैं सीरम लगाएं, जो भी आपका स्किन केयर है उसको प्रॉपर जरूर करें। मिलते हैं कल की वीडियो में, कल की वीडियो बहुत खास होने वाली है। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग हरित हुई बहल एंड ममा रॉक। सत श्री अकाल, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। सत श्री अकाल।